हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की हमारी रेसिपी है नारियल की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक बड़ा नारियल लिया है जिसे छील के काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन, फूटे हुए चने की दाल जिसे दलिया भी कहते हैं। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें नारियल डालेंगे, फूटे हुए चने की दाल डालेंगे, लहसुन को डालेंगे, और हरी मिर्च को काट के डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है। ये देखिए, हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है नारियल का। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चटनी को अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसे गरम करेंगे। अब उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, उसे गरम होने देंगे। अब उसमें 1 टीस्पून सरसों डालेंगे, उसे अच्छे से कड़कने देंगे। अब इसमें 3 से 4 खड़ी सूखी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़े से मीठी नीम के पत्ते डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, ये फ्लेवर को और अच्छा कर देता है चटनी का। अब इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है, भूंजना है इसे। तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब इसे नारियल की चटनी के ऊपर डाल देंगे। हमारी नारियल की चटनी बनकर रेडी है। इसे किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।